अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। याद राज आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं स्टेशन पर आया हुआ हूँ। क्यों आया हूँ, मेरे भाई वगैरह कराची जा रहे थे तो उनको छोड़ने के लिए हम स्टेशन पर आए हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और ट्रेन का टाइम था 9 बजे का, तो 9 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ट्रेन पीछे से लेट है, जैसे ही ट्रेन आएगी तो भांजे वगैरह भाई को बिठा देंगे। तो मैं भांजे से पूछता हूँ कि पंजाब में कैसा को मज़ा आया, कितना को इन्जॉय किया आपने। हमने भांजे को बहुत इन्जॉय करवाया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा कराची जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। यहाँ से पंजाब में बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आ रहा था। पंजाब की सर्दियाँ कराची से बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे अगर आम बंदा आए तो वो ठंड से मर जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो सर्दियों का सिर्फ ट्रेलर शुरू हुआ है यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जाने को दिल तो नहीं कर रहा, वैसे टिकटें हो चुकी हैं, अभी कराची की वापसी हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा पत्तू की स्टेशन है। हेलो गाइस, कैसे हैं, सब खैरियत से होंगे। हम आ जाए हैं स्टेशन पे, भाई लोग जा रहे हैं कराची उनको छोड़ने के लिए। तो ट्रेन आने में अभी वक्त है, तो हम सुबह 8:30 बजे घर से निकले थे, तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो चादर वगैरह ली थी, जर्सी वगैरह पहनी हुई थी। तो अब टाइम हो चुका है तकरीबन 10:30, तो ट्रेन आने वाली है, तो ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक अयान अली आया है अपने कज़न को छोड़ने के लिए और एक ज़ैनब आई है, तो सब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। जैसे ही आती है तो इनको हम उस गाड़ी में बिठाएंगे, बिठाने के बाद फिर हम जाएंगे खाना खाने के लिए होटल पे, और खाना खाने के बाद हम अपने घर को जाएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का आने में, तो इंशाल्लाह जैसे ही गाड़ी आती है तो हम इन लोगों को बिठाएँगे। ये देखे भाई वगैरह कुछ सामान लेकर आए हैं कराची ले जाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, शादी देखी, गाड़ी ली, अब जा रहे हैं ट्रेन से, बहुत मज़ा आने वाला है, कराची पहुंचेंगे। मैं यहाँ पे आज़ाद मामू के साथ आया हुआ हूँ और यहाँ से कराची रवानगी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। और आज़ाद मामू, आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है मैं स्टेशन पे छोड़ते हुए। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरा भांजा मुझे छोड़ के जा रहा है, पता नहीं कब आएगा ये कराची जाके। साथ ये फ़ोन भी बंद कर लेता, कॉल भी रिसीव नहीं करता। फिर ये उसकी एक वजह है, वो बैटरी ख़त्म हो जाती है मोबाइल की और फिर मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाता। फैंस, अभी आप देखेंगे, अभी हम मेरा चैनल बनने वाला है आज़ाद रेंट ए कार के नाम से, और आज़ाद ड्राइविंग स्कूल के नाम से भी दो चैनल इसके तैयार होने वाले हैं। कराची जाके मैं इसके चैनल बना दूंगा, फिर आज़ाद की वीडियो जल्दी जल्द आने लग जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं ट्रेन सामने, नज़र तो आ रही होगी आप लोगों को, आ रही है, एक दो मिनट में स्टेशन पर आ जाएगी, तो फिर भाइयों को बिठाएंगे, ठीक है। ये देखिए सब लोगों ने ये सामान पकड़ा हुआ है, तो जाली वाला डब्बा लग रहा है। जैसे ट्रेन आएगी तो फिर बिठाएंगे और इनका सामान सीटों पे रखना है।
अच्छे नवरात्र दिन बेटा अच्छा चल भी अदील बाय बाय। ट्रेन चल पड़ी है कराची की तरफ, देख सकते हैं आप लोग। भाई वगैरह बिठा दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ याद राज को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, ढेर सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।